अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर जी अभी सुबह सुबह मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज फिर ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठा। लास्ट टाइम जब मैंने अपने ब्लॉग में आप लोग सब पराठे शेयर किए थे ना, जिस दिन मैं पराठे बना रही थी ब्रेकफास्ट में, तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स मिले कि आपके पराठे बहुत अच्छे होते हैं, आपके पराठे बहुत मज़े के लग रहे हैं, आपके पराठे मज़े के हैं। मतलब तकरीबन सब ने जो है ना यही वाले मैसेज किए थे, पराठों वाले। तो आज फिर मैं पराठा बना रही थी ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। रमज़ान में एक ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था तीन टाइप के पराठे जो मैं बनाती हूँ नॉर्मली, मतलब तीन तरह से किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो नॉर्मली वही है, तीन तरीके उसी तरह से मैं पराठा बनाती हूँ, और ज़्यादातर जो है ना इस वाले मेथड से बनाती हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत ईजी है, ये जिस तरह से अभी मैं बना रही हूँ। मेरे पराठे क्यों मज़े के होते हैं, इसमें शायद एक और बात ये भी है कि जब मैं पराठा खाती हूँ ना, तो फिर मैं ये नहीं सोच रही होती कि मैं ज़्यादा घी ले रही हूँ, मैं ज़्यादा घी वाला पराठा खा रही हूँ, और इस तरह से नहीं करती कि आप पराठा भी खाना है और फिर घी भी ना लगाओ, ये बात नहीं होती। फिर जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ उसको घी भी सही से लगाओ और फ्राई भी सही से लगाओ वो, और सही वाला जो है ना पराठा हो। तो फिर यही है कि मैं जो है ना उसको घी ज़्यादा सारा लगाती हूँ जितना उसको लगाना चाहिए, तो उसकी वजह से जो है ना वो ज़रा क्रिस्पी भी बनता है और ज़्यादा मज़े का बनता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मी के हाथ के पराठे इतने मज़े के होते थे ना, मेरे तो पराठे ये कुछ भी नहीं है, वो तो पराठे जो होते थे ना वो सही वाले पराठे होते थे, और वो हम लोग बगैर किसी चीज़ के जो ना हम लोग मतलब खाली पराठे भी हम लोग खा लेते थे। अभी तो ये होता ना कोई चीज़ स्पेशल बनी होती है, कोई सालन वगैरह ऐसा का स्पेशल होता है तो उसके साथ हम लोग पराठे खाते हैं, तो उस टाइम तो बिल्कुल कोई भी ऑमलेट वगैरह भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, बगैर किसी चीज़ के भी हम लोग खा लेते थे, और चाय के साथ बहुत मज़े के लगते थे। ज़्यादातर जो है ना हम लोग चाय के साथ खाते थे वो पराठे। बस ये क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा भी मेरा रेडी हो गया है, और आज जो है मैंने बस ये एक ही पराठा बनाया है, मैं और मेरी बेटी खाएंगे ये, क्योंकि हस्बैंड जो है वो भी नहीं कर रहे थे ब्रेकफास्ट, भी कह रहे थे कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा, और बस फिर मैंने अपने लिए बनाया, और इसको मैं खाने वाली हूँ कीमे के साथ, जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कीमा आलू, उसके साथ मैं खाने वाली हूँ, बल्कि मैंने बनाया ही कीमे की वजह से ये। तो अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया और अभी मैं आई हूँ किचन में, ये जो रोटियों वाले कपड़े होते हैं ना, रोटियों वाली साफियाँ जो होती हैं, साफियाँ बोलते हैं या रोटियों वाले कपड़े बोलते हैं, इनको मैंने वॉश करना था, और ये थोड़ी सी वो वाली है जो थोड़ी रफ़ यूज़ होती हैं, थोड़ी ज़्यादा मैसी होती हैं, ऑयली हो जाती हैं कई दफ़ा, तो इनको मैं इस तरह से वॉश करती हूँ जो पानी में थोड़ी सी देर इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ, तो उस तरह ये होता है कि ज़्यादा इन पर ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस ये खुद ही से साफ़ हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने एक पतीली में पानी ले लिया और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ सर्फ, ये लेमन वाइस वाली बॉटल में मैंने सर्फ डाल के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सर्फ डाला है, और इसको बस मैं मिक्स करके ना तो इन साफियों को इसके बीच में डिप कर दूँगी, और इस पानी को जो है ना मैं बॉयल कर लूँगी, बस चूल्हे पे रखूँगी थोड़ा सा, जब ये गर्म होगा जैसे ही बॉयल होने शुरू होगा ना तो फिर मैं इसको उतार लूँगी, तो ये खुद ही इससे जो है साफ़ हो जाएंगी जब पानी गर्म होगा। तो इस तरह से वो जो ऑयल वगैरह होता है ना, कई दफ़ा रोटियों वाली साफियाँ ये ऑयली हो जाती हैं, तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको पाना रखा है चूल्हे पे, और बस अभी जैसे ही गर्म होगा ना, ये देखिए बॉयल जैसे ही आना स्टार्ट हुआ इसको, तो वैसे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ दूँगी, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा सा हाथ लगाने वाला हो जाएगा पानी, तो फिर मैं इनको वॉश कर दूँगी। और जो किचन के वाइप्स होते हैं ना, जिससे हम लोग ये सारी जो किचन टॉप वगैरह क्लीन करते हैं, उसको भी मैं इसी पानी में जो है ना वॉश कर लूँगी। पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा पानी गिरा दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी हाथ नहीं इसको लगाया जा रहा, काफ़ी गर्म है अभी भी, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं ठंडा पानी मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा ये हाथ लगाया जाए, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बस इनको अब मैं हल्का संभाल के निकाल लूँगी, और बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद ही जो इनका आयल है ना वो सारा निकल गया गर्म पानी की वजह से, और जो किचन का वाइप है वो भी मैं इसी पानी में वॉश करूँगी, एक ही वाइप है, ज़्यादा तो नहीं है अभी, और जो किचन के वाइप्स हैं उनको मैंने इसके साथ बॉयल नहीं किया, क्योंकि जाहिर है ये रोटियों वाले कपड़े हैं और वो किचन टॉप वगैरह क्लीन करने वाले वाइप्स हैं, एक ये ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा हो तो फिर ये कि मैं उनको लहदा से जो है बॉयल कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी आंटी हैं, और ये इन्होंने उस टाइम मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था जब मैंने नया नया चैनल बनाया था, और शुरू शुरू के सब्सक्राइबर्स में से हैं ये, तो हमेशा मेरी वीडियोस को ये वॉच करती हैं और हमेशा कमेंट करती हैं, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, हमेशा इनके कमेंट्स में ना कोई दुआ होती है,
तो उनका नाम है यास्मीन और आज उनकी बर्थडे है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बर्थडे विश कीजिएगा अपने ब्लॉग में, तो मैं उनको बर्थडे विश करती हूँ, हैप्पी बर्थडे। और आप सबने भी क्या करना है, आप सबने भी ना कमेंट्स में उनके लिए लाजमी हैप्पी बर्थडे लिखना है, क्योंकि जब एक बंदा हम लोग की सिर्फ एक बात से, एक छोटी सी चीज़ से खुश हो रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि कोई इंसान आपकी वजह से खुश हो रहा है, और फिर वो वजह कि आपको उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। तो आप सबने लाजमी कमेंट्स में आज हैप्पी बर्थडे लिखना है उनके लिए और उनको विश करना। बस रोटियों वाले कपड़े, साफियाँ जो थी वो मैंने वॉश कर ली, और बस अभी जो पतीली है ना इसको भी मैं वॉश कर लूँगी, और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो मेरे सास आती जो ना वॉश करती थी। जब मैं खुद खाना खाती हूँ ना या ब्रेकफास्ट वगैरह सास से करती हूँ, और सिर्फ 2-3 प्लेट्स हों, जब मैं खाना खाने के बाद बर्तन रखने आती हूँ और हैंड वॉश करती हूँ ना, तो वो मेरे सास आती फ़ौरन से वॉश कर देती, तो वो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो बस वो तो मैंने फटाफट से साथ ही मैंने वॉश कर दिए थे। और बस अब ये जो रोटियों वाले कपड़े हैं ना, ये मैं यहीं पे, ये जो विंडो है इसमें मैं हैंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जो है ना धूप वगैरह सेक आ रही होती है, तो वो फ़ौरन से यहीं पे ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को मैंने हैंग कर दिया, और बस थोड़ी देर में जो है ना ये ड्राई हो जाएंगी। और ये कल मैंने बनाया था फालसे का शरबत, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। काफ़ी दिनों से जो ना मैंने किसी शेक वगैरह की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ हुआ था, लेकिन शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो फालसे हैं ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ऐसा किया था कि फ़्रेश जो फालसे होते हैं ना वो ला के और मेरे जग में डाल दिए थे ब्लेंड करने के लिए, और वो सारे जो अजीब से उनके जो बीज होते हैं ना वो स्टिक्की से वो साथ जग के चिपक गए थे और उतर ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद से अब मैं ये करती हूँ कि इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बस उसके बाद फिर मैं फ्रीज हुए वेज जो है ना इनको डाल के और साथ में ठंडा पानी डालती हूँ थोड़ा सा, और इसको फिर मैं ब्लेंड करती हूँ, तो अब बिल्कुल भी इस तरह से फिर स्टिकी या उस तरह से चिपकते नहीं है। अभी बस मैंने इसमें फालसे ऐड किए हैं और जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और साथ में बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है ना वो मैंने इसमें डाला है। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इसके बाद मैं इसको स्टेन कर लूँगी। वैसे तो अगर कोई मलमल का कपड़ा हो ना आपके पास वो, तो उसमें आप इस तरह डाल के उसको निचोड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो बस ये वाला स्टेनर पे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से जो है स्टेन कर लूँगी, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं रहा, सारा पानी जो है ना इसका मैंने स्टेन कर दिया, और थोड़ा सा मैंने दोबारा से इसके ऊपर पानी डाल के इसको मिक्स करके ताकि अच्छे से इसका जो सारा जूस है ना वो निकल जाए। इसको अब मैं डाल दूँगी दोबारा से जग में, और इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी और साथ काला नमक इसके अंदर में ऐड करूँगी, और काले नमक की वजह से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ी सी बर्फ़ में ऐड करूँगी और फिर इसको दोबारा से जो है ना थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लूँगी, ताकि चीनी और नमक जो इसमें ऐड किया ना बस वो मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फालसे का शरबत मेरा रेडी हो गया है, और जितना ये ठंडा होता है ना और जितनी गर्मी ज़्यादा होती है उतना ये मज़े का लगता है, तो ज़्यादा सारी इसके अंदर मैं बर्फ़ वगैरह ऐड करती हूँ ताकि ठंडा सा बिल्कुल बने। अभी हो गया शाम का टाइम, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सेवैयाँ, और ये जो सेवैयाँ ना ये आज मैं बनाऊँगी व्लॉगर बर्ड की रेसिपी से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं इनकी रेसिपीज़ देख रही थी सारी, तो सारी की सारी रेसिपीज़ इतने मज़े की थी ना, मेरा दिल करता था मैं सारी रेसिपीज़ ट्राई करूँ, और जब ये सेवैयाँ मैंने देखी ना तो ये तो मैंने सोच लिया था कि मैं लाजमी बनाऊँगी। तो बस फिर ये आज मैं बनाने लगी हूँ, और जो जो चीज़ उन्होंने जितनी जितनी कही थी ना उसी तरह ही मैं ले रही हूँ, और बस जैसे जैसे उन्होंने बताई थी स्टेप बाय स्टेप उन्हीं को फॉलो करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसी बनेगी रेसिपी। सेवैयाँ ले लिए मैंने, और साथ में मिल्क पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर मैंने नीडो का यूज़ किया, और फ्रेश दूध जो है वो 1/2 कप ले लिया, और ये फ्रेश दूध की क्रीम मैंने ले लिया 2 चम्मच। जो जो चीज़ उन्होंने यूज़ किया जैसे जैसे बताया उसी तरह जो है ना स्टेप बाई स्टेप मैं फॉलो करूँगी। और 1/2 कप भी चीनी ली है मैंने। तो चलें मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, और फिर मैं साथ साथ आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला है, घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है ना ये 2-3 इलायचियाँ मैंने ली हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं गर्म करूँगी, जब जैसी इलायचियों की थोड़ी सी खुशबू आने स्टार्ट होगी ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी सेवैयाँ, और सेवैयों को मैं घी में डाल के ना थोड़ी देर के लिए इनको मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा इनको भूनूंगी मैं,
जैसे हम लोग शीर खोरमा बनाने के लिए करते हैं ना, थोड़ा सा सेवैयों को फ्राई करते हैं, उसी तरह से इनको थोड़ी देर के लिए मैं कर लूँगी। और थोड़ा सा जब इनका कलर चेंज होगा ना, थोड़ी सी जब इसकी खुशबू आने स्टार्ट होगी, तो बस इतना इसको मैं भून लूँगी। और सेवैयों को या सूजी को जब भूनो ना, तो बड़े मज़े की खुशबू आ रही होती है। तो बस अब ये हो गए हैं, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है। और अब वो जो मैंने हाफ कप मिल्क लिया था ना, जो ये फ्रेश मिल्क है, ये इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो क्रीम हमने लिया है 2 चम्मच, वो 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि जो क्रीम है ना, ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मिक्स हो जाए। बस अब दूध और मलाई जो इसमें ऐड किया था वो थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो गया। तो अब जो मैंने चीनी लिया ना 1/2 कप, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी कल ही मुझे किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक हिना नाम था उनका, तो वो कह रही थी कि आप जो ना ईद के हवाले से कोई स्वीट डिश वगैरह, कोई मज़े की स्वीट डिश बताएं, उसकी रेसिपी शेयर करें। तो ये जो सोनिया है ना, ये इतने कोई मज़े की है ना, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी ईद के हवाले से तो ईद की जो है ना वो स्पेशल सोनियाँ ही होती हैं, छोटी ईद की होती हैं, लेकिन जो ईद का स्पेशल जो मीठा होता है ना, वो सोनियाँ ही होती हैं। और बड़ी ईद की जो है ज़्यादातर नमकीन चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है फिर गोश्त वगैरह होता है, तो वही गोश्त वाली चीज़ें होती हैं, फिर बिरयानियाँ और कबाब निहारी वगैरह होती है सारा कुछ। तो खैर, अगर आप मीठा ट्राई करने चाह रही हो, तो ये वाली जो है ना सेवैयों की रेसिपी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब चीनी भी थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स हो गई है, थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। तो अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए ना, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ता लिए। और बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके, और फिर वो जो मिल्क पाउडर लिया है ना हम लोगों ने, जो मैंने नीटो का लिया, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 2 चम्मच। और उसकी वजह से जो है ना, इतने मज़े का खोए वाला टेस्ट आता है ना। और ये टिप भी मुझे उन्हीं से मिली है कि जब हम लोग ये मिल्क पाउडर ऐड करते हैं ना खुश दूध, तो इसकी वजह से खोए वाला इफेक्ट आता है, वही टेस्ट आता है। तो बस अब मैं इसको दम पर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं दम से इसको खोलती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, फटाफट से रेडी हो जाती है। और बिल्कुल सेम जो है ना उनके जैसी बनी थी, जैसी उन्होंने रेसिपी शेयर की थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने रेसिपी शेयर की है। और बस अभी मैं इसका दम खोलती हूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, कितने मज़े की ये लग रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का और लाइक का मुझे हमेशा की तरह से वेट रहेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।